गर्मी तो लाइटिंग का इंतजाम संभाल यार। तो बिल्कुल साफ सुथरे बाथरूम में भी साफ पहुंचने लग गए। प्लास दे तो भैया खासी होगा देख लो तो डर भी लगने लग गया था। कब देखा मैंने आज सुबह देखा पहले मिसेज ने देखा था फिर लड़की ने देखा फिर मैं आया तो मेरे को भी सिर दिख गया उसका जिप लिप लपाते हुए। अच्छा इधर हाँ ऊपर से नीचे को झांक रहा था भी लगा इसमें। वो भी निकालना पड़ेगा पाइप इसने ना एक्चुअली में ऊपर बाहर निकल चला होगा ना तो डब्बे डब्बे सब गिरा रखे थे उसने देख के मैं डर लग रहा है बता
बड़ा ही है, तुम तो कह रहे छोटा है। इन्हें क्या बताया? हाँ भाई, पकड़ने वाले को रोज सुख बताया। हम तो साइज छेद का साइज देख के बोल रहा था ना, इससे बड़ा नहीं होगा। इसको मैं तो क्या तोड़ सकूँ? ये आ गया, ये आ गया। अरे कॉलर ना हो गया तो पकड़ लो ना। जो ये कैसे पकड़ ले? वो ले ले पहले उससे। ओ पापा, आ जाओ तो जरा पीछे। इतने छोटे क्षेत्र घुस गया है यार। आ जाओ, ये पकड़ लिया। कोबरे यही है। अरे इसको ऐसे ट्रेन शुरू कर दे। पांच मार साथियों, ये सावन परिवार के शौचालय में आकर बैठ गया। मम्मी को वीडियो कॉल करो। बड़ी मुश्किल में इसको बाहर निकालना गया। बड़े है? है? मादा है। अंडे दिए होंगे क्या इसी से? एक मिनट जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता कि वहां पर आकर बैठ गया। पापा कितना बड़े हैं यार। फन निकाल रहे हैं। कर दो, बाहर कर दो। बैग में डालेंगे ना। ऊपर ही है। बलून पीछे कर ले भाई। हाँ जी हाँ जी। तीन फुट से ऊपर है। काफी परेशान किया इस सांप ने हमारे को। वो झोली ले निकाल ले। अखिले भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो आगे सांप को निकाला। बड़ी मुश्किल से निकला ये। अरे बाप, नहीं वो ज्यादा हो जाएगा। एक और के लिए दोबारा कोशिश करनी पड़ी। मुझे बड़ा दुख है, किसको बचाने के लिए मुझे एक इंग्लिश सीट का परिधान करना पड़ा। परंतु मेरे लिए सांप की ज्यादा अहमियत थी। अब ये देखिए, ये 3 या 4 साल का बच्चा है, ये अपना इसकी जान बच गई तो भी पूरा धमकाने की कोशिश कर रहा, पूरा अंग्रेज बनना। इसको भी धुलाई गिर जाएगी इसकी नक्के के नीचे। साथियों, ये सांप कम से कम 1-1.5 घंटे की मेहनत से बाहर निकला। शौचालय की सीट, लेटरिन सीट की सीट के नीचे बैठ गया था। चल।
इसको इसके प्राकृतिक वास में जा रहा, छोड़ा जा रहा है। काफ़ी मेहनत कराई, पूरी एक लैट्रिन की सीट तोड़नी पड़ी हमारे को। इसको जब मालिकों ने देखा और बहुत ही ज़्यादा सम्मानित परिवार है चावल परिवार, जिसके लिए हमें भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ी और सबसे ज़्यादा मेहनत हमें उसको सांप को बचाने के लिए करनी पड़ी, क्योंकि ये जिस स्थिति में था वहाँ से इसका बचना मुश्किल था। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। यदि आपको सांप दिखाई दे तो आप उसकी सूचना 108 को दें, वन विभाग को दें या हमें दें। आपसे हम छेड़छाड़ ना करें, खतरा हो सकता है और आपके परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है। सांप के साथ छेड़छाड़ कर अपने परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। धन्यवाद।